लेकिन इस पॉइंट के बाद अब वीडियो में आगे स्पॉइलर है, तो अपने जोखिम पर ही देखें। तो जैसा अभी मैंने वीडियो में कहा कि इसकी स्टोरी ठीक ठाक ही है, इसका प्लॉट तो मैं अच्छा बताऊंगा, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था। तो अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है अभी के DCU के यूनिवर्स से, जिसे सजाम विजार्ड उससे नाराज हो जाते हैं और वो उसे एक जगह कैद कर देते हैं, जहाँ पे उसकी वो कैद और आनकोत का वो मुकुट एक ही जगह होता है। लेकिन जो आनकोत का मुकुट होता है वो जुड़ा होता है सबैक से, अपने पुराने सुपर हीरो को वापस जिंदा कराने जाती है और उस काम में सक्सेसफुल भी हो जाती है। इससे ब्लैक एडम आजाद हो जाता है और वो बाद में उसे मना लेती है कांदा को वापस आजादी दिलाने में। लेकिन अगर ब्लैक एडम कोई मिशन पे जाता है तो वो उसे बहुत ब्रूटली और वायलेंटली करता है, जिससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया में शांति का बैलेंस नहीं रहेगा, और शांति का बैलेंस बनाए रखने के लिए वो एक टीम को चुनती है और उसे भेजती है ब्लैक एडम को रोकने के लिए, जहाँ पे इस टीम का नाम है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। और इस टीम के मेंबर है डॉक्टर फेथ, हॉकमैन, एटम स्मैशर और साइक्लोन। भाई ब्लैक एडम और हॉकमैन जब भी एक साथ स्क्रीन पे आते हैं भाई माहौल बन जाता है। जहाँ बाद में आनकोत के मुकुट से सबैक आजाद हो जाता है तो वो पूरे कांदार्क में अपना रूल वापस जमाने लगता है। तो इस बात को देखते हुए डॉक्टर फेथ वापस ब्लैक एडम को आजाद करा लेते हैं। और भाई इस पूरे मूवमेंट के दौरान डॉक्टर फेथ की जो सबैक के साथ फाइट सीक्वेंस थी वो इस पूरे मूवी का सबसे बेस्ट सीन था। लेकिन भाई ये पूरा सीक्वेंस जितना अच्छा था इसका इम्पैक्ट उतना ही कम हुआ। भाई डॉक्टर फेथ जैसे मेजर कैरेक्टर की डेथ हो रही है और हम सब बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद हमारा ब्लैक एडम आजाद हो जाता है और वो वापस कांदार्क आता है। और इस मूवमेंट पे ब्लैक एडम वर्सेस सबैक की जो फाइट सीन थी उसके तो क्या ही कहने हैं। और भाई वो मूवमेंट जहाँ पे ब्लैक एडम सबैक को दो भागों में बांटता है, उस सीन पर आप चिल्ला चिल्ला के अपना गला खराब कर लोगे। लेकिन इसके बाद ब्लैक एडम अपनी गद्दी पे जाता है और उसे तोड़ देता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कांदार के लोग अब आजाद है। तो ये है इस पूरी मूवी की स्टोरी, इस पूरी मूवी का प्लॉट। लेकिन जितना अच्छा ये मूवी का प्लॉट था उतना अच्छा इस मूवी का एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं था। क्योंकि अगर हम मूवी के स्क्रीन प्ले से चलें तो मूवी के 5 मिनट में ही ब्लैक एडम आजाद हो जाता है, उसके बाद कांदार्क में लड़ाई, उसके बाद जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का इंट्रोडक्शन और फिर जस्टिस सोसाइटी वर्सेस ब्लैक एडम की लड़ाई। और ब्लैक एडम की थोड़ी कन्वर्जेशन दिखाई जाती है जहाँ पे अमेंडा ब्लैक एडम से बोलती है कि तुम भले ही कांदार्क में रहो, यहाँ पे रूल करो, लेकिन अगर तुम कांदार्क से बाहर गए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पे ब्लैक एडम रिप्लाई करता है कि मुझे इस प्लेनेट पे मारने वाला और है कौन। तब हमारी अमेंडा बोलती है कि इस प्लेनेट से नहीं, हम दूसरे प्लेनेट से बुला लेंगे। और भाई इतनी देर में ब्लैक एडम उनका ड्रोन तोड़ देता है और उस धुएं के बीच में हमें दिखाया जाता है हेनरी कैविल का सुपरमैन। भाई ये था मेरा रिएक्शन हेनरी कैविल के सुपरमैन को देख के। लेकिन इसके बाद हेनरी कैविल का सुपरमैन ब्लैक एडम से बोलता है कि हमें कुछ बातें कर लेनी चाहिए। तो भाई ये मार्वल मैन